अकबर माशाल्लाह फरहान मियां दामाद चादुसरिया का बयान देख करके बेहद खुशी हुई। आज हमारे भाई चादुसरिया हयात होते तो इज्जत को खबीस तो कुत्ता बनाते और मारने को लेते। खबीस है तेरी औलाद, ये तेरा सलमान जमात रजाए मुस्तफा और दरगाह अल्लाह को भेज रहा है, पागल हो गया। मगर क्योंकि भाई हमारा चला गया, कोई कहने वाला नहीं रहा, अब ये जो किसी लायक नहीं मुकादर कुदात बने हुए हैं, दिमाग खराब हो गया। तीन करोड़ के बाप के जनाजे में क्या आ गए थे, गुरूर हो गया खबीज को, दिमाग खराब है। कैसे फिर दुनिया भर में मना नहीं है, कैसे जिम्मेदार है। अब दुनिया कहेगी कि मन्ना निमिया कह रहे हैं अज्जत बहुत बड़ा खबीज है, अगर मुझे मिल जाता है जिन ठुकाई करता दिमाग खराब है इसका खबीज। मेरा भाई चाहिए होता तो मुझसे कहता मन्नानी चचा जान हो तो मुझे पकड़ के इसका ठुकाई करूं, इसका दिमाग खराब हो गया। वैसे सलमान का दिमाग खराब हो गया, सलमान से देखे फरहान दो दो बेटी कुत्ते ने दे दी, पता नहीं जबकि सवाल नहीं, मैंने कहा था कि इसका फफा खबीस है भाभी है, एक दिमाग खराब का मक्तों का। और हमारे दामाद के ऊपर पीलीभीत में दयाल मुस्तफा के सफा खुशामंद में जाके चढ़ गया खबीस, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, बर्दूत कहीं का। बहुत अफसोस हुआ, मगर मुझे फरहान मियां की जो तहरीर देख करके थोड़ा सा मुझे मेरे रंज को कम और सदमा मुझे कम हुआ। वरना हमने कोई ऐसा किसी को नहीं छोड़ा, तौकीर मियां ने भी अगर गलती करी तो हमने उसको भी नहीं छोड़ा है, सबसे ज्यादा हमने उसकी लड़ाई करी। कोई भी हो जो हक से जरा दूर जाएगा उसको हम हक पर लाने की कोशिश करेंगे। दरगाह लाने इसीलिए है, जमात रजा है मुस्तफा अहमद रजा बरेलवी ने इसीलिए बताई थी कि दुनियादार कुत्तों को तू हवाले करे, तू किस लायक है, तुम कभी तुझे पढ़ानी। तेरा बाप दादी सरिया मनाने से कहता था तुम दादी तुम इसके चाचा जानो, लेके जाता था पैदल, कभी जाता नहीं था। बहुत बेचारे महमूद तहसीन मिल्लत पढ़ाने की कोशिश करते रहते थे, पता नहीं। और अगर पढ़ा है बता किस जगह से पढ़ा, कौन से तेरे पास सनद है और किसने तुझे खिलाफत दी, पागल हो गया खबीस, दिमाग खराब है। जब देखो दादी सरिया को लेकर के उनका तुम झंडा बन करके और जैल मुस्तफा महजिद कबीर को लेकर पीलीभीत में लड़ाई करता है तो तेरे मालूम तेरी बहन वहां रहती है, और जाके पीलीभीत में तू उन्हें वली मामी खा के आया। वो ही चाहती सरिया को अजमती घराना कहता था कि हमारे अमीर अहले सुन्नत है, सबको तूने खबासत करी, और आज पीलीभीत से लेकर नागपुर तक तू लड़ता फिर रहा है, पागल हो गया चेहरा, दिमाग खराब है, इतना बड़ा कमीना। हमारा हम उससे पैदा हैं जो हमारे वालिद का नाम मुफस्सिर आजम जिलानी मियां, उसी ने हमारा तहज्जुदशरिया पैदा है। वो तहज्जुदशरिया में सरकार के बल नहीं लगे हुए थे, जब तहज्जुदशरिया जा रहे थे मिस्र इतनी पिटाई मेरे बाप ने करी, कहां जा रहा हबीब, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। वो अख्तर की इतनी पिटाई करी, रहमान मियां ने मस्जिद में से निकाल के धक्का दे दिया, सब ने उसकी इज्जत बताई कि कैसी इज्जत होती है, और तूने सारे कमीने ऐसे पागल कसीम का दामाद रख लिए, तेरी इसके अंदर रजा शामिल होगी, तेरी रजा के बगैर वो नहीं गया होगा, तूने कहा होगा जा। जैसे आबिद को लाल बत्ती मिली ऐसे सलमान को लाल बत्ती मिले, तो किसे लाल बत्ती मिले, हम तो वो लोग क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आया था आला हजरत हमें बुलाया, हमने कहा हमारे भैया ताजी सरिया बोले हमने उसे नहीं बुलाना, तुम्हें बुलाना, तुम्हें से हम लाहौल पढ़वाएंगे, तुम्हें हम तुम्हारी फिक्र करते, तो हमारा पोता है, हमने लाहौल पढ़ा, कोई ताजी सरिया ने लाहौल नहीं पढ़ा, और तू भाग गया बहड़ी, और आज तू कादर कोजार बनता है खबीस, किस इलाके तू गुंडा बदमाश खबीस कुत्ता गया कहीं कभी ना मेरे सामने होता, इतनी ठुकाई तेरी खुद से मैं ऐसा मारूंगा कि तू सारी सब निकल जाएगी तेरी। हम उसकी औलाद हैं जिसका निकाह इमाम अहले सुन्नत अमीर मोमिनीन आला हजरत इमाम अहमद बरेलवी ने पढ़ाया, जिनकी हमारी अम्मा मुफ्ती आजम की बेटी है, हमारा वालिद हुसैन का बेटा है। क्या है ताजी शरिया, ताजी शरिया, ताजी शरिया, सरिया सरिया बरिया करिया, क्या ला रखा खबीस खबीसों ने, दादी सरिया दादी सरिया दादी सरिया, दुनिया के काम चल रहे हैं बगैर ताजी सरिया के, थमानी का काम बगैर ताजी सरिया का चल रहा है, कबर का काम बगैर ताजी सरिया का चल रहा है,
उमर का काम बाकायदा शरिया का चल रहा है, खालिद का अनस का काम बाकायदा शरिया का चल रहा है। हम अगर इज्जत से मोहब्बत से नाम लेते हैं चाची, उनका काम नहीं चलता। अरे पागल हो गया तू? ये कहना चाहिए मन अहब्बा शायर अक्सर जिक्र हो, जो जिससे मोहब्बत करता उसका अक्सर जिक्र करता। ये भी मेरी मोहब्बत की बात है कि मैं तेरा चचा हूं तो मैं तुझे डांट रहा हूं। अगर होता तू मेरे सामने तो बगैर पेटे तुझे नहीं छोड़ता। तो अपना दिमाग सही रख, होगा कैसा चाची सजिया 3 करोड़ तेरे लिए आए थे। खुदा आला हजरत से लोग मोहब्बत करते हैं, कोई ताजुशरिया हो गया, कोई हो गया। हमें खूब हमें पता है कि ताजुशरिया हमारा भाई था, गोदी में हमारे खिलाता था, हमें पढ़ाता था। मुफ्ती आजम के दरवाजे में लेके गया और कहा मैंने पढ़ाया, तो हजरत ने कहा विलायत की नजर देख रही है, आगे तुम संभल जाओगे तो ये मन्नानी रहेगा दिन का काम करने के लिए। पागल हो गया कम वक्त तू? तो काजी खुदा से फलाने हैं और हमारी ये इज्जत है, इज्जत है। मैं जाता हूं ताजी शरिया के मजार पर, सबको सांप सूंघ जाता है, वो सर का कुत्ता बैठा रहता है और कोई आ गया कुत्ता तो ये नारे तकबीर वो नारे तकबीर, हमें कुछ गधा से बनता है, सब तेरी निकाल कर रख देंगे। पीलीभीत पे चढ़ गया, इसलिए चढ़ गया वो गरीब थे कमजोर थे, और फिर उन्होंने अपनी शान दिखाई। जो तेरे नाम का अधरी हो, जुदे चाहने वाला इरवान अधरी मिला, उसको छकाई करी दिखा दिया। अगर उनके संबंध में आ रहा तो तुम जैसे जाने कितनों को पकड़ के पीट दें, मगर तुम्हारा लिहाज करा उन लोगों ने। तो ताजसरिया बना हुआ कब बात शहजादे ताजसरिया, न पढ़ा न लिखा, दुनिया भर का गुंडागर्दी करना, और आज तूने कौन को भेज डाला? खबीज के बाद भेज दिया जिसे तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं, उसके बाद तुझे भेजा और तेरी रजा के बगैर गया नहीं है। लिहाजा तू कादिर कजा फिर हिंद से इस्तीफा दे और जमात रजा ए मुस्तफा तमाम खानदान आला हजरत के लोगों के दरमियान में इस्तीफा दे और सारे खानदान के हवाले करे। उसके अंदर सुबहानी भी होगा, तू भी होगा, मन्नानी भी होगा, समझानी भी होगा। तू कहीं का घमंडा न डाले, तू कितना पकड़ कर ठोकूंगा अगर तू मेरे सामने आया। क्या है तू, क्या समझता है साले? हवा है हमला तेरा पिछा, तूने हमारे और तुझे गोदी में लेके हम घूमते हैं, तुझे साले पढ़ाने के लेके गए, उठा रहे राजा कह रही है कि चचा जान आप आ जाते हैं, ये उठता नहीं है। मैं कह रहा था अपने भाई से ये उठता नहीं, मैं आता हूं तो वो कहते थे तुम्हारी वजह से शायद उठ के चला जाए तुम्हारे लिहाज में। तो 2 दिन तो मदद से चला गया और मैंने तेरी इज्जत कायम रखी कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ा है। अगर तूने पढ़ा है तो क्यों नहीं तेरी जामिनूरिया से दस्तारबंदी? क्यों हुई सलमान की अमीन शरीयत के लड़के की दस्तारबंदी? क्यों ताजी शरीयत उसमें गए? हाँ उसने पढ़ा था इसलिए उसकी दस्तारबंदी कराई गई, तूने पढ़ा ही नहीं तो कोई तेरा मामू तहसीन मिल्लत हो गया अमीन शरीयत तुझे खिलाफ और तुझे तेरी सनत तुझे दे नहीं सकता, कोई जाहिर को देगा? तेरा बाप ऐसा था कि अपना जानीशन में ला गया, मालूम होते हुए ताजिशरिया को बिल्कुल पागल लड़का है, किसी लायक नहीं है जानीशीन, ये अकलबा पर रही है, ये ताजिशरिया का अमल सही नहीं है। बाप ने आपको भूत बनाए हुए थे कि बहुत बड़े हम यू हैं, हम वो है, वो खुद अमल का उनका ठीक नहीं था, एक जाहिर को बना गए। बनाना था तो सलमान को बनाते जिसकी दस्तार बंद हुई थी, वो उनका दामाद था, मगर तू जैसे गधे को बना दिया और फिर तूने अपनी लड़कियां और पागलों को दे दी। अब पागलों को देने के बाद सुबहानी ये कहता है सुबहानी मियां कि तेरा एक क्या फुफा वो भावी है, सुन्नियत के खिलाफ बरेलशरी में काम होता है और तेरा दिमाग खराब रहता है, क्या फिरना चाहता है तू? दिमाग खराब कर रखा है तो गुंडा है क्या? तेरे 3 करोड़ वो कहां तेरे बाप के जो तेरे चचा डांट रखकर डाले घर में आग चढ़ गया? अभी भाभी बेचारी कमजोर हो गई इसलिए मैं जाके उससे नहीं कहता हूं। मेरा अगर भाई इस बार जिंदा होता मैं अगर इशारा करता तो मुझसे कहता पकड़ के लाओ, ठुकाई तेरी होती, बहुत ठुकाई होती। हाँ मेरा भाई तो जैसे कुत्ता बनाए पागल बनाए और कहे चाचिर चचा जान मन नानी मियां आप इसको पढ़ाने ले जाए, मैं मेरा तेरे पर एहसान है, जो कुछ भी तूने पढ़ा ये मेरा एहसान है, तो किसी का क्या एहसान मानेगा? मगरूर है, मगरूर हो गया, तेरा बाप का इंतकाल हो गया, बस 3 करोड़ आ गए थे सब तेरे पीछे, आज कैसी भगवत करा रहा है? ऐसी तूने भगत पहले कराई,
तेरी बेटी अंग्रेजों के यहां जाके पढ़े तो भेज दिया नासिर कुरैशी को। उसने कहा अच्छा ठीक है, अजमियर की बेटियां कहां पढ़ती हैं? बोले वो तो अंग्रेज की उसमें पढ़ती हैं। बोले लो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़े, कैसी भद तूने करा टाल ठोक में जी न्यूज में, जब चाहता है तू कम बहुत भद कराता है इस खानदान की, न तू पढ़ा ना लिखा और तूने पागल भी रखनी है भद कराने के लिए। और कितना नासिर कुरैशी को अफसोस हुआ, उसके बाद हम लोगों को आज भी देख देख कर अफसोस होता है कि तेरी बेटियां तो आप वहां जाए और वहां पर बेटियां जाए तो सलमान साहब मिल गए। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ज्ञान हक की तालीम है, पैसे हो गए तो कार हो गई, कार हो गई तो ड्राइवर हो गया, ड्राइवर है तो बेटियां जा रही पढ़ने के लिए अंग्रेजी। लाहौल वाला कुमत ये हो ताजिशरिया, यह है ताजिशरिया के औलाद। ताजिशरिया एक नेक आदमी था, चला गया, न नजर आता था, न देख पाता था, न सुन पाता था, उसे उठा करके झूला बना दिया और ले गए समिया के घर पर चढ़ाई करी। ये नहीं खुद आकर समिया तेरी बहन है, कभी ना है तू कभी।